इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के उन इम्पोर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे कल हम बैंक निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। ये लेवल बैंक निफ्टी फ्यूचर के हैं, ना कि बैंक निफ्टी इंडेक्स के हैं। तो देखो, मार्केट ने 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे भी एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया हुआ है। यदि मार्केट ने 45,590 के लेवल को ब्रेक किया तो हमें मार्केट में एक बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है, और जो मार्केट का यहाँ पे टारगेट निकल के आ रहा है वो बहुत ही बड़ा निकल के आ रहा है। 43,500 और 600 तक मार्केट हमें यहाँ पे आता हुआ देख सकता है यदि मार्केट ने गलती से 45,580 या फिर 90 के लेवल को ब्रेक किया। तो यहाँ पे बहुत बड़े टारगेट 2,000 पॉइंट के मेरे को यहाँ पे सीधे सीधे बैंक निफ्टी में टारगेट दिखाई दे रहे हैं यदि बैंक निफ्टी ने हमारे इस फ्लैग एंड पोल पैटर्न को एक्टिवेट कर दिया। तो ये तो हो गया कि हाँ भाई, यदि मार्केट पुट साइड में जाएगा तो हमारे टारगेट बड़े रहने वाले हैं। अभी हम चलते हैं हमारे स्मॉल टाइम फ्रेम पे और वहां पे देखते कि यदि मार्केट फर्स्ट हाफ में जब कोई ट्रेड देता है और ओपनिंग के हिसाब से तो हमें उसे कैसे ट्रेड लेना है। तो देखो, जो भी हमारे लेवल्स हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसी के सारे लेवल्स रहने वाले। यदि मार्केट ने फ्लैट ओपन होने के बाद अपर साइड का जो लेवल है 46,370 के लेवल को ब्रेक किया, 370 के लेवल को ब्रेक किया, तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेने वाले हैं जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 46,700 का, सॉरी 46,600 का, 46,600 का हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 46,750 का, और थर्ड टारगेट हमारा निकल के आएगा 46,970 का। ये हमारे तीन टारगेट यहाँ पे निकल के आएंगे यदि मार्केट ने फ्लैट ओपन होने के बाद 46,370 के लेवल को ब्रेक किया। तो इसके बाद हम देखते हैं कि यदि मार्केट ने डाउन साइड के लेवल को ब्रेक किया तो हमारे कौन कौन से लेवल्स निकल के आएंगे। इसके लिए हम आवले टाइम फ्रेम पे ही चलते। देखो, मार्केट ने किसी भी कंडीशन में, बोल रहा हूं मैं किसी भी कंडीशन में, यदि मार्केट ने 45,590 के लेवल को ब्रेक कर दिया तो हम यहाँ पे पुट बाइंग का ही ट्रेड लेने वाले हैं, और बड़े टारगेट के लिए आपको यहाँ पे बैठना पड़ेगा। 200 200 250 250 पॉइंट के मार्केट वन वे टारगेट देगा, और ये आपको 10 से 15 मिनट में ही आते हुए दिखाई देंगे। तो जैसे ही मार्केट 45,590 के लेवल को ब्रेक करेगा, हमारे यहाँ पे जो पहला टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा, एक सेकेंड, वो आएगा 45,250, 45,250 का हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा। दूसरा टारगेट हमारा निकल के आएगा 45,000 का, और तीसरा टारगेट जो हमारा निकल के आएगा वो निकल के आएगा 44,800। ये तीन टारगेट हमारे निकल के आएंगे यदि मार्केट ने गलती से भी 45,590 के लेवल को ब्रेक कर दिया तो, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न आवर्ली टाइम फ्रेम पे हमें एक्टिवेट होते हुए दिखाई देगा। तो ये हो गया हमारे फ्लैट की कंडीशंस। अभी हम बात कर लेते हैं कि यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो उस कंडीशन में हमें कैसे ट्रेड लेना है। तो देखो, गैप डाउन की कंडीशन में हमें यहाँ क्या करना है कि जो हमारा 45,600 का लेवल है ना, यदि मार्केट ने यहाँ पे कोई भी हमें सपोर्ट दिखाया, देखो यदि मार्केट ने 45,590 या फिर 580 के लेवल को ब्रेक किया तब तो हम 101%, 101% हमारी 100% क्वांटिटी के साथ ही पुट पॉइंट की पोजीशन लेंगे। लेकिन मार्केट मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया और यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, और कंसोलिडेशन करने के बाद यदि मार्केट ने कोई भी ब्रेकआउट दिया तो हम यहाँ पे 45,600 के सपोर्ट के साथ यहाँ पे एक कॉल बाइंग का भी ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 45,580 का। इस स्टॉप लॉस के साथ में हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का भी ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कई बार, मल्टीपल टाइम, 3 बार मार्केट यहाँ से ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है। तो यदि मार्केट यहाँ पे चौथी बार भी हमें सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ही ट्रेड लेने वाले हैं। यदि लेकिन यदि मार्केट ने गलती से भी इस लेवल को ब्रेक किया, 580 के लेवल को मार्केट ने गलती से भी ब्रेक किया, तो हम यहाँ पे 101% पुट बाइंग का ही ट्रेड लेंगे। ये होगी हमारी गैप डाउन की कंडीशन। और गैप अप की कंडीशन की यदि हम यहाँ पे बात करेंगे तो यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है, कंसोलिडेशन करता है, देखो यदि मार्केट ने सेकंड हाफ तक कंसोलिडेशन किया, मार्केट गैप अप ओपन हुआ उसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, जैसे मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया हुआ ना, यदि वैसे ही मार्केट ने यहाँ पे भी कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेंगे, और यदि मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो हम यहाँ पे पुट बाइंग का ट्रेड लेने वाले हैं। लेकिन यदि मार्केट को ये सेकंड हाफ में ट्रेड देना पड़ेगा, सेकंड हाफ में यदि मार्केट ट्रेड देगा तो ही हम ये कंसोलिडेशन का ट्रेड लेने वाले हैं, वरना हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाले। और गैप अप की कंडीशन में जो हमारा एक और कंडीशन बन रही है यहाँ पे ट्रेड लेने की, उसके और मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। उससे पहले मैं जितनी भी सारी चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है उनको हटा देते। देखो, गैप अप की कंडीशन में क्या बनना है कि यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है, और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट, लो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट अपनी लास्ट डे क्लोजिंग पे आता है। लास्ट डे क्लोजिंग कितनी है,
46,250 और 200 के अराउंड में हमारी लास्ट डे क्लोजिंग है। मार्केट इस लेवल पे आता है और इस लेवल पे आने के बाद मार्केट अपर साइड में जाना शुरू करता है, और अपर साइड में जाने के बाद जैसे ही मार्केट डे आई के लेवल को ब्रेक करेगा हम यहाँ पे कॉल बाइंग का ट्रेड लेंगे। ये ट्रेड रहने वाला है जितने भी सेफ ट्रेडर्स हैं उन सभी के लिए, और जो रिस्की ट्रेडर है उनके लिए यहाँ पे एक ट्रेड बनेगा। वो क्या बनेगा, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट लास्ट डे क्लोजिंग पे आया, और लास्ट डे क्लोजिंग पे आके मार्केट ने कोई डब्ल्यू पैटर्न बना दिया, कोई हायर है हायर पैटर्न बना दिया, या फिर कोई भी पॉजिटिव पैटर्न का ब्रेकआउट दिया मार्केट ने लास्ट डे क्लोजिंग पे। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट लास्ट डे क्लोजिंग पे आता है, और लास्ट डे क्लोजिंग पे मार्केट ने किसी भी पॉजिटिव पैटर्न का ब्रेकआउट दिया तो भी हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ये जो कॉल बाइंग का ट्रेड है सिर्फ और सिर्फ रिस्की ट्रेडर्स के लिए ही होगा। लेकिन यदि आप सेफ ट्रेडर भी हो और आप करीब 5 लॉट या फिर 10 लॉट से ट्रेड लेते हो तो भी आप 1 लॉट से ये वाला ट्रेड ट्राई कर सकते हो, जिससे आपको आने वाले फ्यूचर में आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि हाँ भाई ऐसे भी कोई ट्रेड लिया जा सकता है। तो ये हमारे बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।